Hello guys, my name is Ajay and today I am going to start with the topic of setting arrangement. Basically, ये जो topic है, ये puzzles का part है, ठीक है? तो questions को easy बनाने के लिए, ठीक है? आपको कुछ points याद रखने हैं, ठीक है? The very first point is make sure कभी भी आपने setting arrangement या basically puzzles के question को solve करना है, ठीक है? तो question को पढ़ के फिर solve करना है. You'll get an idea कि आपने question को start कहाँ से करना है and आपने क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है. ओके, आपको डिफिकल्टी का भी अंदाजा हो जाता है क्वेश्चन को पढ़ के, तो आपने इस छोटी सी चीज का ध्यान रखना है. क्वेश्चन को पढ़ना इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, श्योर. अब मैं टॉपिक के साथ स्टार्ट करने वाला हूं. मेक श्योर स्टार्ट करने से पहले एक पॉइंट है जो मैं बताना चाहूंगा, दैट अगर आपने रैंकिंग क्लास नहीं लगाई, मेक श्योर टू अटेंड दैट क्लास, बिकॉज रैंकिंग क्लास अगर आपने लगाई होगी, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कंपल्शन है, बट उससे काफी ज्यादा हेल्प मिल सकती है इस टॉपिक में. टॉपिक ज्यादा इजी लगेगा. ओके, तो मैं एक बेसिक सी एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं. ठीक है, लेट सपोज अगर मैं कहता हूं 10 पर्सन बैठे हैं एक रो में फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. अब मेक श्योर अगर कोई डायरेक्शन मेंशन नहीं है, तो जो मेरा लेफ्ट है मैं उनका लेफ्ट मान लेता हूँ, और जो मेरा राइट है मैं उनका राइट मान लेता हूँ. एंड मैं कहता कुछ ऐसे नंबरिंग दी हुई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, यानी राइट साइड. ओके, नाउ इफ आई से ए इज फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट, तो ए कहां पे आएगा, 1, 2, 3, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट प्लेस, राइट. अब छोटी सी चीज का आपने ध्यान रखना है, मैंने कुछ पॉइंट्स बताऊंगा विद रिस्पेक्ट टू ए और सम अदर पर्सन, ठीक है, उसकी बेसिस पे क्या करेंगे, हम कुछ पॉइंट्स को समझेंगे जो हमने क्वेश्चंस में यूज करने हैं. रैंकिंग में भी ये कंसेप्ट कराया है गौतम सर ने, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हो. ओके, उन्होंने थोड़ा डेप्थ में कराया है. बेसिकली मैं वो पॉइंट्स कराऊंगा जो सेटिंग अरेंजमेंट पे यूज होने हैं. ओके, सो अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट दी हुई है दैट सी इज टू द लेफ्ट ऑफ ए, अब ए फोर पे है, तो सी कहां पे आना चाहिए. मोस्टली स्टूडेंट्स क्या आंसर करते हैं, सी आएगा 3 पे. मैं ये नहीं कह रहा ये गलत है, बट अगर उसने ज्यादा प्रिसाइसली बोला होता दैट सी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, तो उस केस में सी कहां पे आता, 3 पे. इस केस में सी 1 पे भी हो सकता है, 2 पे भी हो सकता है, और 3 पे भी हो सकता है. मेरे पास कोई श्योरिटी नहीं है. क्लियर द फर्स्ट पॉइंट, श्योर एवरीबॉडी. नेक्स्ट देखते हैं. अगर मैं कहता हूं E is 4 places right of A, या E is 4th to the right of A, same. ओके, अब स्टूडेंट्स यहां पे कुछ स्टूडेंट्स गलती करते हैं, मेरे को A के राइट पे जाना है, वो क्या करेंगे, 1, 2, 3, 4, 4 places छोड़ के पांचवी प्लेस पे दूसरा पर्सन. मेक श्योर अगर उसने बोला था देर आर 4 पर्सन बिटवीन ई एंड ए, तो ई कहां पे आता, 9 पे. उसने क्या बोला है, वो फोर्थ प्लेस पे है. तो इसके लिए बेस्ट तरीका क्या होता है, जहां से आप स्टार्ट कर रहे हो उसको इंक्लूड मत करो, 1, 2, 3, एंड आपको फोर्थ प्लेस पे जाना है. तो फोर्थ प्लेस कौन सी है, 8th, तो ई कहां पे आ जाएगा, 8th पे. ओके, अब बेसिकली इसके लिए एक ट्रिक भी होता है. अगर मैं यहां से यहां आ रहा हूं, तो बेसिकली मैं कुछ ऐड कर रहा हूं, मैं क्या ऐड कर रहा हूं इसमें, तो जब भी मैं लेफ्ट पे मूव कर रहा हूं या राइट पे मूव कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा, नंबर ऑफ प्लेसेस को ऐड कर दूंगा. या मैं एक और चीज ध्यान रख सकता हूं, मैं 4 प्लेसेस राइट पे जा रहा था, बीच में गैप कितना था, 3 का. अगर मैं 4 प्लेसेस लेफ्ट पे जाता तो गैप कितना होता, 3 का. 6 प्लेसेस राइट पे जाता तो गैप कितना होता, 5 का. गैप जो होगा ना वो हमेशा 1 कम का होगा, -1 का. तो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हो. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Now if I say H is a neighbor of A, A है 4 पे, इस केस में H कहां पे आएगा, सी. देखो ध्यान से, ध्यान रखना जब मैं बात करता हूं नेबर की, नेबर का मतलब क्या होता है, बिल्कुल साफ वाला. तो
अगर उसने बोला होता एच इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तब भी मेरा आंसर सेम रहता, क्योंकि बेसिकली नेबर का मतलब क्या होता है, इमीडिएट लेफ्ट या राइट, इस चीज की मेरे पास क्लैरिटी नहीं है। तो अगर वो इमीडिएट लेफ्ट है तो 3, अगर वो इमीडिएट राइट है तो 5। ओके, क्लियर टू द पॉइंट। वन मोर पॉइंट, अब कई बार ना ऐसे दिया होता है एच 6 नेक्स्ट 2a। अब स्टूडेंट्स यहां पे गलती करते हैं, द आंसर मस्ट बी 5, ऐसा नहीं होता। याद रखना नेक्स्ट का मतलब बेसिकली क्या होता है, नेबर, बिकॉज पॉइंट ये है मैं जिधर से स्टार्ट करूंगा उसके हिसाब से नेक्स्ट चेंज हो जाएगा। अगर मैं लेफ्ट से स्टार्ट करता हूं तो एक का नेक्स्ट क्या है 5, बट अगर मैं राइट से स्टार्ट करता हूं तो एक का नेक्स्ट क्या है 3। तो नेक्स्ट के लिए आई विल रिमेंबर नेक्स्ट का मतलब क्या होता है, नेबर, इतना नोट कर लो। आगे मूव करो, इसी के साथ है, अगर मैं बोलू बी इज टू प्लेसेस अवे फ्रॉम ए, ए 4 पे है तो बी कहां पे आना चाहिए। सबसे पहले पॉज करो वीडियो को, इसको ट्राई करके देखो एक बार, पॉइंट समझना। जब ये अवे की बात आती है ना, अवे का मतलब क्या होता है, दूर। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दो का गैप ले लेते हैं। याद रखो दूर का मतलब क्या है, या तो वो दो प्लेसेस लेफ्ट पे है या तो वो दो प्लेसेस राइट पे है। अगर वो दो प्लेसेस लेफ्ट पे है तो 2 पे होना चाहिए, अगर वो दो प्लेसेस राइट पे है तो कहां पे होना चाहिए, 6 पे। तो इस केस में बी की पोजीशन 2 है या 6 है मेरे को नहीं पता। तो आपने एक शॉर्टकट याद रखना है कि जब भी अवे की बात आती है ना, हम सिंपली क्या करते हैं, नंबर ऑफ प्लेसेस को प्लस माइनस कर देते हैं दोनों, ठीक है। सिचुएशन देख लूंगा मैं क्या है, एंड लेफ्ट राइट के केस में क्या आएगा, या प्लस या माइनस नंबर ऑफ प्लेसेस, सिंपल। क्लियर द पॉइंट। लास्ट देखते हैं, अगर मैं कहता हूं ई 6 बिटवीन डी एंड एफ, ई है 8 पे, तो डी एंड एफ कहां पे आना चाहिए, वेरी इजी वन, डी या तो 7 पे होगा या 9 पे होगा, सिमिलरली या एफ 7 पे होगा या 9 पे होगा। आपने सिंपल सा एक पॉइंट याद रखना है, जब भी सेटिंग अरेंजमेंट के केस में वर्ड आता है ना बिटवीन, उसका मतलब क्या होता है, जो बंदा बीच में है बाकी जो दो बंदे हैं वो उसके बिल्कुल साथ में होंगे, ठीक है, दैट इज द बेस्ट वे टू रिमेंबर इट, ठीक है। तो मैं सीधे दो केसेस बना लूंगा, इसमें डी ई एफ या एफ ई डी होएगा, तो ई की पोजिशन तो 8 ही रहनी है, अब डी की पोजिशन 7 या 9 में स्विच कर सकती है, सिमिलरली एफ की पोजिशन भी 7 या 9 में से कोई भी हो सकती है। तो मेरे पास उस केस में क्लैरिटी नहीं आएगी जब तक मेरे पास कुछ और ना दिया हो। तो अब एक छोटी सी चीज और ध्यान रखना, इसी लेफ्ट टू राइट अरेंजमेंट को अगर मैं टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट बना दूंगा ना, अब ये का मतलब तो सेम रहेगा कि वो या तो दो प्लेसेस पहले हैं या दो प्लेसेस बाद में हैं। लेफ्ट राइट की जगह पे वो वर्ड्स क्या यूज करते हैं, आफ्टर या बिफोर। तो ध्यान रखना, अगर मैं कहता हूं एच इज टू प्लेसेस आफ्टर ए, तो ए के दो प्लेसेस बाद, एक प्लेस छोड़ के, ठीक है, सेम कंसेप्ट है, कंसेप्ट में कोई फर्क नहीं आने वाला। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, क्लियर। नेक्स्ट कंसेप्ट पे आ रहा हूं, एक छोटे से भी सी, अगर मैं कहता हूं 8 फ्रेंड्स का एक ग्रुप है A से लेके एच तक, they were compared on the basis of their heights, एक सिंपल सा अरेंजमेंट ले रहा हूं, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस पॉइंट समझ आ जाए, एंड क्वेश्चंस समझना थोड़ा इजी हो रहा है, सॉल्व करना थोड़ा इजी हो रहा है। मैं कुछ स्टेटमेंट्स लूंगा, उसके बेसिस पे हम अरेंजमेंट डिराइव करने की कोशिश करेंगे, कौन सबसे बड़ा है कौन सबसे छोटा है, लाइक दैट। तो इफ आई से आई हैव अ स्टेटमेंट दैट ए इज टॉलर देन एफ, who is
टॉलर दैन सी। ओके, अब इस केस में हम क्या कह रहे हैं, ए जो है वो एफ से बड़ा है, आगे आपको समझना है। ठीक है, मैं पहले स्टेटमेंट लिख लेता हूं फिर डिस्कस करते हैं। लेट सपोज मैं कहता हूं बी हु इज शॉर्टर दैन ई इज टॉलर दैन जी। फॉर एग्जाम्पल ये दो स्टेटमेंट्स लिए मैंने। ओके, वन लेट सपोज इफ आई से डी इज टॉलर दैन ए बट ए शॉर्टर दैन जी। ठीक है, कुछ ऐसा दिया होगा मेरे पास। एंड लास्ट पे वो मेंशन कर देता है ई इज नॉट द टॉलेस्ट। अब मेरे पास कुछ ऐसा दिया हुआ है, तो मेरे को क्या करना है, मेरे को इन सभी स्टेटमेंट्स के बेसिस पे कुछ अरेंजमेंट डिराइव करना है। वो क्वेश्चन पूछ लेंगे हु इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल, हु इज द शॉर्टेस्ट, हु इज द सेकंड टॉलेस्ट, लाइक दैट कुछ भी। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, मैं ना फ्रेसेस को आधा आधा देखूंगा, मैं पूरे सेंटेंस देखूंगा यदि मैं एक फ्रेस देखूंगा पूरा। ठीक है, अब इसमें वो क्या कह रहा है, ए इज टॉलर देन एफ, ए किससे बड़ा है, एफ से। सेकेंड में वो क्या कह रहा है, बी हु इज शॉर्टर देन ई, बी किससे छोटा है, ई से। अब आपने ना एक सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है, साइन सेम रखना, साइंस को मिक्स मत करना बिकॉज गलतियां होती हैं उसकी वजह से। नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, डी इज टॉलर देन ए एंड द लास्ट स्टेटमेंट उसने बोला है ई सबसे बड़ा नहीं है, मतलब ई से या तो एक बंदा बड़ा होगा या दो या ज्यादा, बट ई सबसे पहले नहीं आ सकता, फर्स्ट नंबर पे ई नहीं आ सकता। ओके, अब देखो वो कहता है ए जो है वो एफ से बड़ा है जो कि सी से बड़ा है, तो इस केस में इज टॉलर देन सी, किसके बारे में बात हो रही है, एफ के बारे में। रीजन बीइंग एफ के साथ एक कंजंक्शन है दैट इज हु, अब जरूरी नहीं हु ही आए, हुम भी आ सकता था, अगर नॉन लिविंग थिंग्स की बात हो तो विच आता है। ठीक है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ओके, कह रहा है एफ जो है वो किससे बड़ा है, सी से। तो बेसिकली रूल क्या है, जब भी मेरे पास दो फ्रेजेस का कॉम्बिनेशन आता है, सेकेंड वाली स्टेटमेंट या सेकेंड वाला फ्रेज उस नाउन को बिलोंग करता है जिसके साथ डब्ल्यूएच वाली कंजंक्शन हो। ओके, इस पॉइंट पे इजीली समझ आ जाएगा। वो क्या कहता है, बी जो कि ई से छोटा है वो किससे बड़ा है, जी से। तो इस केस में सेकंड स्टेटमेंट किसको किसके बारे में बात कर रही है, बी के बारे में। क्यों, क्योंकि बी के साथ क्या है, हु। कुछ ऐसा, अ पॉइंट इज इन दोनों में कोई नाउन कॉमन नहीं है, राइट। इस केस में देखो कहता है डी जो है वो ए से बड़ा है पर वो जी से छोटा है। अब इस केस में हो तो आया नहीं, अब इस केस में सेकंड स्टेटमेंट किस नाउन के बारे में बात कर रही है, फर्स्ट नाउन के बारे में। तो रूल क्या है, जब भी मेरे पास बट या एंड आएगा ना, ठीक है, उस केस में सेकंड स्टेटमेंट हमेशा फर्स्ट नाउन को बिलोंग करेगी, तो मेरे पास ऑर्डर क्या बन जाएगा, डी इज शॉर्टर देन जी, कुछ ऐसा। अब ध्यान से देखो, इन दोनों में जी कॉमन है, ई के बाद जी है, सॉरी ई के बाद बी है, बी के बाद जी है। अब ये ध्यान रखना, इसका मतलब ये नहीं होता कि ई से छोटा या बी से बड़ा उनके बीच में कोई नहीं हो सकता। ओके, इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्कुल बड़ा है बिल्कुल छोटा है। ओके, जी से छोटा कौन है, डी, डी से छोटा कौन है, ए, अकॉर्डिंग टू द गिवन इंफॉर्मेशन। ठीक है, अब उसने बोला था ए जो है वो एफ से बड़ा था, एफ जो है वो सी से बड़ा था। अब अगर मैं यहां तक तो काउंट करूं तो सात फ्रेंड्स की बात हो चुकी है। उसने बोला ई सबसे बड़ा हो नहीं सकता, सातों में तो ये सबसे बड़ा है, तो जो आठवां फ्रेंड होएगा एच वो क्या होएगा, सबसे बड़ा, बिकॉज कंडीशन गिवन है कि ई सबसे बड़ा नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज समझो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो। इस क्वेश्चन में स्टार्ट करने के लिए मेरे पास स्पेसिफिकली कुछ नहीं था,
अगर उसने बोला होता है एच इज द टॉलेस्ट अमंग ऑल या सी इज द शॉर्टेस्ट अमंग ऑल, तो मैं उस पॉइंट से स्टार्ट कर सकता था क्वेश्चन को, बट इस क्वेश्चन में उसने ऐसा कोई पॉइंट नहीं दिया। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर मेरे पास स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं है, तो मेरे को क्या करना पड़ता है, इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स को सॉल्व किया एंड मैं उसको कंबाइन कर दूंगा, सिंपल, क्लियर। तो दैट इज अ बेटर वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। अब ये बेसिकली थोड़ा ओवरव्यू था रैंकिंग का, ठीक है, बेसिक ओवरव्यू, ठीक है। अगर आपने डीपली समझना है तो आप क्लास लगा लेना रैंकिंग की, ठीक है। नाउ विल मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चंस। वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेट देखो, क्वेश्चन नंबर 1 to 2, उसमें वो कह रहा है दैट देयर आर 7 बुक्स, उनमें से एक बुक कौन सी है, ज्योग्राफी। वो एक बुक शेल्फ में अरेंज्ड है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब सबसे पहली चीज आपने क्या देखनी है, सबसे पहले आपने सारा का सारा क्वेश्चन पढ़ लेना है। उसने क्या बोला है, 7 बुक्स हैं टॉप टू बॉटम अरेंज्ड हैं। तो जब भी मेरे को एक अरेंजमेंट सॉल्व करना है ना, सबसे पहले मेरे को क्वेश्चन पढ़ के ये देखना है कि अरेंजमेंट बनेगा कैसा। इस केस में उसने बताया है टॉप टू बॉटम है, तो टॉप टू बॉटम ही बनाओ, लेफ्ट टू राइट भी बना सकते हो, हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो, बट टॉप टू बॉटम ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, देखो पहले एक बार ट्राई करके देखो, इस वीडियो को यहां पॉज करो एंड ट्राई द गिवन क्वेश्चन, फिर सॉल्यूशन देखना। ओके, अब इस क्वेश्चन में उसने क्या बोला है, 7 बुक्स हैं, तो मैं नंबरिंग कर सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, दैट इज माय चॉइस, ठीक है। मैं 7 to 1 नंबरिंग कर लूं, 1 to 7 कर लूं, या बुलेट्स बना लूं या डॉट्स लगा लूं, दैट इज माय चॉइस। ओके, स्पेसेस भी डाल सकता हूं। अब इस क्वेश्चन में मेरे को करना क्या है, मेरे को क्वेश्चन को पढ़ना है पूरा, ठीक है। मेरे पास कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई है, इट इज फॉलोड बाय 2 questions। मेक श्योर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस नहीं करना, अरेंजमेंट ड्रॉ करो, चाहे 2 questions हो, चाहे 3 हो, चाहे 5 हो, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इजीली, राइट। देखते हैं, अब इस क्वेश्चन में द स्टेटमेंट्स गिवन आर, देयर वर 2 books बिटवीन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वाज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव मैनेजमेंट, बायोलॉजी वाज 3rd book फ्रॉम द बॉटम, एंड अकाउंटेंसी वाज 3rd book from the bottom। पॉइंट ये है, इस क्वेश्चन में सबसे बेस्ट स्टेटमेंट कौन सी है क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए, दैट इज द लास्ट वन। रीजन बीइंग, उसने स्पेसिफाई किया है बायोलॉजी कहां पे आएगी, 1, 2, 3rd फ्रॉम द बॉटम, राइट। अब पॉइंट समझो, रिलेशन बनाने की कोशिश करो, बायोलॉजी के रिलेशन में एक और स्टेटमेंट थी, उसने क्या बोला था, बायोलॉजी वाज 2 places अवे फ्रॉम अकाउंटेंसी। अब स्टूडेंट्स यहां पे मेन मिस्टेक क्या करते हैं, वो 2 का गैप लेके अकाउंटेंसी को रोक देते हैं 2 पे। याद रखो वर्ड क्या है, अवे, क्या कह रहा है वो, बायोलॉजी वाज 2 places अवे फ्रॉम अकाउंटेंसी। अवे का मतलब है कि अकाउंटेंसी या 2 places नीचे या 2 places ऊपर, तो अकाउंटेंसी 3 पे भी हो सकती है, 7 पे भी हो सकती है। तो द पॉइंट इज कि सेम केस में तो मैं अकाउंटेंसी को 2 जगह पे लिख नहीं सकता, तो क्या करूंगा, राइट साइड पे केस लिखा, लेफ्ट पे केस लिख दो। अब मेरे को क्लैरिटी है कि बायो तो 5th पे रहनी है, बायो तो रहना चेंज रहेगी, अकाउंटेंसी किधर पहुंच जाएगी, 3rd पे, बिकॉज उसने बोला है बायोलॉजी 2 places दूर है, तो अकाउंटेंसी 7 पे है कि 3 पे है, मेरे पास कोई क्लैरिटी नहीं है। अब स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, उसने क्या बोला है, बायोलॉजी वाज 2 places अवे फ्रॉम अकाउंटेंसी विच वाज इमीडिएटली बिलो फिजिक्स। तो फिजिक्स के नीचे कौन सी बुक है, दैट इज नॉट बायोलॉजी, दैट इज अकाउंटेंसी, क्योंकि अकाउंटेंसी के साथ क्या वर्ड है, विच। तो फिजिक्स कहां पे आएगी, या तो फिजिक्स 2nd पे होगी या फिजिक्स 6th पे होगी, राइट। अब ध्यान से देखो बाकी बची हुई स्टेटमेंट्स में कहीं पे फिजिक्स अकाउंटेंसी या बायोलॉजी की बात तो नहीं हो रही, बायोलॉजी के रिलेशन में कोई और स्टेटमेंट नहीं दी हुई, अकाउंटेंसी के रिलेशन में भी नहीं दी हुई। अब फिजिक्स के बारे में वो कह रहा है, देयर वर 2 books बिटवीन फिजिक्स एंड हिस्ट्री, तो अगर मैं राइट वाला केस देखता हूं, ये फिजिक्स है 1, 2, हिस्ट्री इस केस में 3rd पे पॉसिबल है बिकॉज प्लेस तो खाली है, राइट।
बट अगर मैं लेफ्ट वाला केस देखता हूँ, फिजिक्स यहां पे है, ऊपर मैं जा नहीं सकता, वन टू, ये दो प्लेसेस का गैप या दो बुक्स का गैप, क्या इस प्लेस पे हिस्ट्री पॉसिबल है? पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला केस वैलिड नहीं हो सकता. सिंपल. एंड द लास्ट स्टेटमेंट दैट वी आर लेफ्ट विद इज इकोनॉमिक्स वाज प्लेस्ड इमीडिएटली अबव मैनेजमेंट. इकोनॉमिक्स जो है वो मैनेजमेंट के बिल्कुल ऊपर है, तो मेरे को दो प्लेसेस इकट्ठी खाली चाहिए. कहां पे है? वन एंड टू. तो इकोनॉमिक्स कहां पे आएगी? नंबर वन पे. एंड मैनेजमेंट कहां पे आ जाएगी? सेकंड पे. अब मेरे पास बुक बच कौन सी गई? बुक बच गई ज्योग्राफी. राइट. अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. सिर्फ और सिर्फ आपने क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना है. ओके क्लियर. नॉट ट्राई क्वेश्चन नंबर 3 to 6. इजी है बट ध्यान से करना. ओके ट्राई करके देखो. इस वीडियो को यहां पे पॉज करो एंड क्वेश्चन को ट्राई करके देखो. अरे अब इस केस में वो कह रहा है दैट देयर आर 6 लेक्चर्स व्हिच हैव टू बी शेड्यूल्ड अक्रॉस अ वीक स्टार्टिंग ऑन संडे एंड एंडिंग ऑन सैटरडे. लेक्चर्स के नाम दिए हुए हैं. ओके अब मेरे को सबसे पहली चीज ये देखनी है कि इस केस में ऑर्डर बनेगा कैसे. अब उसने डेज की बात की है, तो मैं टॉप टू बॉटम वर्टिकल अरेंजमेंट बना सकता हूँ, हॉरिजॉन्टल भी बना सकता हूँ, दैट इज माय चॉइस. ठीक है. मैं पर्सनली प्रेफर करता हूं कि जब भी स्केड्यूलिंग की बात हो या डेज की बात है या ऐसा कोई भी केस जिसमें आफ्टर बिफोर वर्ड यूज हो रहा है, उस केस में मैं टॉप टू बॉटम अरेंजमेंट प्रेफर करता हूँ. That is my personal choice. That is not a compulsion. Okay? तो आप जो मर्जी कर सकते हो, चॉइस आपकी है. उसने बोला था स्टार्ट कहां से करना था? संडे से. एंड मेरे को एंड कहां पे करना था? सैटरडे. दोबारा बोलो, अगर किसी ने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, मेक श्योर पहले ट्राई करो फिर सोल्यूशन देखो. ओके अब इस क्वेश्चन में जितनी भी मेरे पास स्टेटमेंट्स है उनमें से बेस्ट स्टेटमेंट कौन सी है? अगेन बायोलॉजी. उसने क्या बोला है? बायोलॉजी हैज टू बी टॉट ऑन थर्सडे. बायोलॉजी कहां पे आएगी? थर्सडे. बट उसने साथ में बोल दिया बायोलॉजी कैन नॉट इमीडिएटली फॉलो फिजिक्स. एंड लगाना. तो सेकेंड जो स्टेटमेंट है वो किसको बिलोंग कर रही है? बायोलॉजी को. वो क्या कह रहा है कि बायोलॉजी जो है वो फिजिक्स को बिल्कुल फॉलो नहीं कर सकती. मेक श्योर सी द डिफरेंस. स्टूडेंट्स क्या करते हैं? स्टूडेंट्स लिख देते हैं कि फिजिक्स फ्राइडे नहीं आ सकती. इस केस में उसने बोला है कि बायोलॉजी फिजिक्स के बिल्कुल बाद नहीं आ सकती. उसने ऐसा तो कुछ बोला नहीं कि फिजिक्स बायो के बिल्कुल बाद नहीं आ सकती. उसने क्या बोला है? बायोलॉजी जो है वो फिजिक्स के बिल्कुल बाद में नहीं होनी चाहिए. अब बायोलॉजी तो थर्सडे को है, दैट मींस फिजिक्स वेंसडे पॉसिबल नहीं है. क्योंकि अगर मैं फिजिक्स यहां पर रख दू क्या होगा? मेरी कंडीशन गलत हो जाएगी. क्योंकि उसने क्या बोला है? बायोलॉजी फिजिक्स के बिल्कुल बाद नहीं आ सकती. तो वैसा वैसा चीज है कि फिजिक्स बायो के बिल्कुल पहले नहीं आ सकते. अब पॉइंट ये है कि इस क्वेश्चन में मेरे पास आगे मूव करने के लिए कुछ भी नहीं है. हैव थ्री स्टेटमेंट्स. एक में उसने बोला है वन डे हैज टू बी हॉलीडे, इट कैन नीदर बी संडे नॉर सैटरडे. ज्योमेट्री हैज टू बी स्केड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर अलजेब्रा. एंड फिजिक्स कैन नॉट स्टार्ट द सीरीज इन द वीक एंड हैज टू बी डन एग्जैक्टली 2 days बिफोर एस्ट्रोनॉमी. अब पॉइंट ये है इन तीनों स्टेटमेंट्स में मैं यूज कौन सी करूंगा. समझो, उसने बोला ज्योमेट्री हैज टू बी स्केड्यूल्ड इमीडिएटली आफ्टर अलजेब्रा. अलजेब्रा के लेक्चर के बाद बिल्कुल ज्योमेट्री इकट्ठे होने चाहिए दोनों. अब पॉइंट ये है इकट्ठे दो दो दिन तो बड़े ज्यादा हो जाएंगे. संडे मंडे भी हो सकता है, मंडे ट्यूजडे भी हो सकता है, ट्यूजडे वेंसडे भी हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे भी हो सकता है. तो मैं चार केस तो बनाने से रहा. राइट. कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां मेरे को जरूरत पड़ जाएगी चार बनाने की. ठीक है. बट इस केस में पहले मैं सारी की सारी कंडीशन देख लेता हूं. उसने बोला है एक दिन हॉलीडे होना चाहिए. अब ना तो संडे है ना सैटरडे. अब हॉलीडे फ्राइडे है, वेंसडे है, ट्यूसडे है, मंडे है, मेरे को कैसे पता लगेगा?
बेटर स्टेटमेंट कौन सी है? फिजिक्स कैन नॉट स्टार्ट द सीरीज इन द वीक, एंड फिजिक्स के बारे में मेरे को पहले भी कुछ पता है। तो सीरीज कहां से स्टार्ट हो रही है? संडे से। तो इसका मतलब क्या है कि फिजिक्स संडे भी नहीं आ सकती, राइट? तो मैंने मेंशन कर दिया। अब उसने बोला, उसने एस्ट्रोनॉमी से दो दिन पहले आना है। अब ध्यान रखना, बेसिकली इस केस में जो अरेंजमेंट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, फिजिक्स एक दिन छोड़ के दूसरे दिन एस्ट्रोनॉमी, क्योंकि उसने क्या बोला है, एस्ट्रोनॉमी से दो दिन पहले कौन सा लेक्चर होना चाहिए, फिजिक्स। बिकॉज अगर मैं बोलता हूं ना अ डे आफ्टर टुमारो, तो मैं परसों की बात कर रहा हूं, राइट? बट बीच में गैप कितना है, एक दिन का, राइट? उसको मैं टू डेज आफ्टर टूडे भी बोल सकता हूं, ओके? अगर मैं कल की बात कर रहा हूं टुमारो की, तो मैं क्या बोलूंगा, अ डे आफ्टर टूडे। अगर मैं परसों की बात कर रहा हूं तो क्या बोलूंगा, टू डेज आफ्टर टूडे। पॉइंट इज सेम कि जब भी मेरे पास आफ्टर, बिफोर, लेफ्ट या राइट ऐसे वर्ड्स आते हैं ना, ठीक है, तो अगर मैं कहता हूं तीन दिन बाद, तो जो बीच का गैप होगा वो कितने दिन का होगा, दो दिन का, ठीक है? या तो ये चीज, या सिंपली प्लस टू या माइनस टू, जो भी है। इस केस में वो क्या कह रहे हैं, एस्ट्रोनॉमी से दो दिन पहले फिजिक्स। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, दो का गैप ले लेते हैं। अगर उसने बोला था देयर वर टू डेज बिटवीन फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी, तो वो केस पॉसिबल था। इस केस में इसने क्या बोला है, एस्ट्रोनॉमी से दो दिन पहले, मतलब एक दिन छोड़ के दूसरे दिन कौन सा लेक्चर होना चाहिए, फिजिक्स का। अब पॉइंट ये है, मेरे को पता है संडे तो फिजिक्स में आना नहीं है, तो फिजिक्स में पहले केस में पुट कर देता हूं मंडे को। अगर मैंने फिजिक्स को मंडे रखा, ट्यूजडे छोड़ के एस्ट्रोनॉमी वेंसडे आ रही है, यस। पॉइंट इज, अगर मैं इसको ट्यूजडे शिफ्ट करता हूं फिजिक्स को, तो एक स्पेस छोड़ के यहां पे एस्ट्रोनॉमी तो पॉसिबल है नहीं। वेंसडे फिजिक्स वैसे ही आ सकती, थर्सडे वैसे बायो का लेक्चर है, तो नेक्स्ट केस कहां पे जाके बनेगा, फ्राइडे। अब एक स्पेस छोड़ के नीचे संडे नहीं है। अब यहां पे ये मत गलती मत करना कि ऊपर चले जाओ, बिकॉज इट इज आर फर्स्ट डे, इट इज आर लास्ट डे, ओके? तो इस केस में वो कंडीशन क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। तो मेरे पास सिर्फ एक ही केस बन रहा है, फिजिक्स कहां पे आनी चाहिए, मंडे को, एंड वेंसडे को एस्ट्रोनॉमी का लेक्चर है, राइट? अब मेरे को पता था एलजेब्रा और ज्योमेट्री इकट्ठे आने हैं, कहां पे आएंगे, ध्यान से देखो, फ्राइडे एंड सैटरडे। अगेन सैटरडे संडे पॉसिबल नहीं है, बिकॉज ये लास्ट डे एंड ये फर्स्ट डे, ओके? तो पॉसिबल केस क्या है, एलजेब्रा ऑन फ्राइडे एंड ज्योमेट्री ऑन सैटरडे। संडे हॉलीडे हो नहीं सकता, तो हॉलीडे क्या हो जाएगा, ट्यूजडे। एंड लेक्चर कौन सा बच गया, केमिस्ट्री का, राइट? इजी क्वेश्चन, श्योर। मेक श्योर अगर प्रॉब्लम आ रही है यू कैन आस्क मी, ओके? मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करके देखो, हरिया। इस वीडियो को यहां पर पॉज करो एंड पहले क्वेश्चन नंबर 7 को ट्राई करके देखो, हरिया। सॉल्यूशन देखो, इस केस में उसने बोला है 7 फ्रेंड्स हैं, ए टू जी एक रो में बैठे हैं। मैंने आपको पॉइंट बोला था, रो की बात हो रही है, टॉप टू बॉटम रो हो सकती है, लेफ्ट टू राइट हो सकती है। अगर लेफ्ट टू राइट होगी तो मैं अपना लेफ्ट उनका लेफ्ट मान लूंगा, अपना राइट उनका राइट मान लूंगा। अब इसके लिए मेरे को देखने के लिए कि रो कौन सी है, मेरे को स्टेटमेंट्स को पढ़ना पड़ेगा। अब इस क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट्स है उसमें वर्ड्स क्या यूज कर रहे हैं, इतनी प्लेसेस लेफ्ट पे है, इतनी प्लेसेस राइट पे है, ऐसे कोई वर्ड यूज कर रहे हैं, राइट? तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके कितने पर्सन हैं, 7, कुछ ऐसा। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस केस में अगर उसने बोला होता ए इज ऑन द लेफ्ट एंड ऑफ द रो, तो मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता था ए इज इन द मिडल, या ए इज ऑन द राइट, या ए सेकंड फ्रॉम द राइट, कुछ ऐसा। अब इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप चाहे फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट कर लो, चाहे सेकंड से कर लो, चाहे थर्ड से कर लो, बट
एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको समझनी है. मेक श्योर अगर आपके पास क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए लेट्स सपोज कुछ नहीं है, ओके, एंड यहां आपका क्वेश्चन अटक गया कहीं पे, आपका क्वेश्चन आगे मूव नहीं कर रहा, ठीक है, तो उसके लिए ट्रिक होता है अपना बिटवीन वाली स्टेटमेंट को ढूंढो. ठीक, उससे क्या होता है क्वेश्चन थोड़ा सा इजीली मूव करना शुरू हो जाता है. मैं ये नहीं कह रहा हर बार ही होएगा, बट दैट इज अ ट्रिक जो हेल्प कर सकती है. ओके, तो इस क्वेश्चन में वो स्टेटमेंट कौन सी है, E sits between F and D. तो मैं दो केसेस सीधे में आ गया, F E D या D E F. A point ये है मैं इसको इसमें पुट नहीं कर सकता. That is why मैं इस चीज को यूज नहीं कर सकता, right? Sure. अब देखो मेरे को रिलेशन बनाना है. अब चाहे मैं फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ बना लू चाहे मैं सेकंड के साथ बना लू, क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट में F की बात हो रही है, सेकंड में E की बात हो रही है. I'll prefer the second one. Reason being E की position change नहीं होनी. सेकंड स्टेटमेंट वो क्या कहता है, ए जो है वो सी का नेबर है. अब ए का सी, ए सी का नेबर है तो सी के लेफ्ट पे भी हो सकता है, सी के राइट पे भी हो सकता है, पक्का. एंड वो टू प्लेसेस राइट ऑफ ई. अब ई के दो प्लेसेस राइट पे कौन है, बिकॉज वर्ड यूज कंजंक्शन कौन सी यूज हुई है, एंड. तो ई के दो प्लेसेस राइट पे कौन होना चाहिए, ए. अब दो प्लेसेस राइट का मतलब क्या होता है, एक का गैप एंड दूसरी प्लेस पे आना चाहिए. सिमिलरली एक का गैप दूसरी प्लेस पे. अब एक का नेबर कौन था, सी, तो कुछ ऐसा होना चाहिए. अ पॉइंट ये है अभी तक दोनों के दोनों केसेस क्या है, वैलिड है, राइट. नेक्स्ट फर्स्ट स्टेटमेंट में उसने बोला हुआ है बी हु वाज थ्री प्लेसेस टू द राइट ऑफ एफ. बी जो है वो एफ के तीन प्लेसेस राइट पे है. तो अगर मैं फर्स्ट वाला केस देखता हूं, 1 2 3, इसने तो कंडीशन ही गलत कर दी. इसमें उसके तीन प्लेसेस राइट पे कौन बैठा है, ए, जो कि पॉसिबल नहीं है अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट. अब ये एफ है, 1 2, थर्ड प्लेस पे बी पॉसिबल है, यस, इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी. अब जी का इमीडिएट लेफ्ट कौन है, बी, बिकॉज बी के साथ एक कंजक्शन है, दैट इज हु. तो इस क्वेश्चन में मेरे पास अरेंजमेंट क्या बन जाएगा, डी ई एफ ए सी बी जी. अब इसके बेसिस पे उससे पूछा हुआ है कुछ, शायद आई थिंक हु इज सेकंड फ्रॉम द राइट के थर्ड फ्रॉम द राइट, कुछ ऐसा पूछा हुआ है. ओके, तो आपने क्या करना है, जब भी आपके पास क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए कुछ नहीं है तो मेक श्योर ट्राई करो, अगर बिटवीन वाली स्टेटमेंट से स्टार्ट कर सकते हो तो कर लो, ठीक है, उससे क्वेश्चन थोड़ा सा ईजी हो जाएगा. मैं ये नहीं कह रहा फर्स्ट स्टेटमेंट से स्टार्ट नहीं कर सकते या सेकंड से नहीं कर सकते, बिटवीन से क्वेश्चन थोड़ा इजीली मूव हो जाता है एंड सीधे के सीधे दो केसेस बन जाते हैं, ठीक है, नॉट ऑलवेज अगेन. ओके, याद रखो. Sure. Now try the next one. Question number 8 to 9. Sorry. 8 to 9 question करने से पहले इस question में उसने बोला है that 8 friends A to H were allocated different rooms from 101 to 110 arranged in ascending order from north to south with each room facing west direction. अब इसमें जो rooms की direction दी हुई है वो किधर face कर रहे हैं, west की तरफ. अब एक simple सा point है, आप सभी मेरी तरफ देख रहे हो, आपका right इधर है but मेरा इधर क्या है, left. तो जब भी एक direction की बात आती है ना, ठीक है, डायरेक्शंस के केस में हम अपनी मर्जी से राइट लेफ्ट एज्यूम नहीं कर सकते, हमें डायरेक्शंस के हिसाब से चलना पड़ता है, ओके, एंड हमें स्पेसिफिक रहना पड़ता है उस केस में. तो जिन्होंने डायरेक्शंस का टॉपिक लगाया उनके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जिन्होंने नहीं लगाया वो पॉइंट समझ लो. जब भी डायरेक्शंस की बात आती है बेसिकली आई हैव 8 डायरेक्शंस, ओके, कितने डायरेक्शंस है, 8, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट. तो टोटल डायरेक्शंस कितनी है, 8. बट इन केस ऑफ सिटिंग अरेंजमेंट मेरा 4 से काम चल जाएगा. अब जब भी डायरेक्शंस की बात होती है ना, मेरे पास क्राइटेरिया कुछ ऐसा होता है, नॉर्थ एट टॉप, साउथ एट बॉटम, ऑन माय राइट इट इज ईस्ट एंड ऑन माय लेफ्ट इट इज वेस्ट. ओके, अब डायरेक्शंस के केस में मेरे को सिर्फ एक ही चीज से मतलब है, वो चीज क्या है, फेसिंग अ सर्टेन डायरेक्शन. हम किस डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, बिकॉज उसी के अकॉर्डिंगली मैं राइट या लेफ्ट एज्यूम कर सकता हूं या राइट या लेफ्ट निकाल सकता हूं. ओके, तो अगर हम सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं उस केस में हमारा राइट किधर रहेगा, ईस्ट की तरफ, एंड लेफ्ट किधर रहेगा, वेस्ट की तरफ.
जब हम ईस्ट की तरफ देखेंगे तो राइट किधर हो जाएगा, साउथ में, लेफ्ट किधर हो जाएगा, नॉर्थ में। साउथ में देखेंगे तो वेस्ट की तरफ क्या हो जाएगा, राइट। वेस्ट में देखेंगे तो राइट कहां पे हो जाएगा, नॉर्थ की तरफ। तो व्हाट आई कैन से, जब हम किसी डायरेक्शन की तरफ देखते हैं तो हमारा राइट कैसे मूव करता है, लाइक अ क्लॉक। तो लिख सकता हूं राइट इज क्लॉकवाइज। अगर राइट क्लॉकवाइज है तो लेफ्ट क्या होगा, लेफ्ट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। श्योर। अब मेरे को क्या करना है, मेरे को इस क्वेश्चन को इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। उसने क्या बोला है, द रूम्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अब नॉर्थ कहां पे ऊपर, साउथ कहां पे नीचे। तो इस केस में जब मैं ऑर्डर बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा, नॉर्थ लिखा, अब असेंडिंग ऑर्डर इज छोटे से बड़ा, तो रूम नंबर 101, 102, 103, 104, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। नीचे डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी, साउथ। अब हर रूम किधर देख रहा है, वेस्ट की तरफ। तो अगर रूम्स वेस्ट की तरफ देख रहे हैं तो रूम्स का राइट कहां पे होगा, नॉर्थ में। बिकॉज वेस्ट में जब हम देखते हैं तो राइट कहां पे होता है, नॉर्थ में। एंड लेफ्ट कहां पे होता है, साउथ की तरफ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके देखो। ओके गाइस, मेक श्योर पहले सॉल्व करना है फिर सॉल्यूशन देखना। अब इस क्वेश्चन में उसने दो स्टेटमेंट्स दी हुई जिससे मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर सकता हूं। एक उसने बोला है ए जो है वो रूम नंबर 104 में है, एंड बी जो है वो थर्ड रूम में है साउथ से। तो मैं किसी से भी स्टार्ट कर सकता हूं। अगर मैं कहता हूं ए वाज इन रूम नंबर 104 एंड हैज अ वेकेंट रूम टू इट्स इमीडिएट लेफ्ट, तो उसका लेफ्ट कहां पे, साउथ की तरफ। तो रूम नंबर 105 क्या आएगा, खाली, पक्का। एंड उसने बोला है बी जो है वो थर्ड रूम में है कहां से, साउथ से। एंड डी जो है उसके दो प्लेसेस राइट पे है। यहां पे गलती होती है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं राइट नीचे ले लेते हैं, नीचे क्या है लेफ्ट, दो प्लेसेस राइट है, दैट मींस डी किधर आना चाहिए, रूम नंबर 106 में। ओके, अब पॉइंट इज ना तो ए के बारे में कुछ दिया है, ना तो डी के बारे में कुछ दिया है, ना ही बी के बारे में कुछ दिया है। एंड इन एडिशन उसने किसी रूम्स के बारे में भी और कुछ नहीं बताया। उसने क्या बोला है, सी जो है वो एक एक्सट्रीमेंट पे नहीं आ सकता, एच जो है वो सी और ई के बीच में आना चाहिए, एंड एफ के साथ में, एफ का, एफ के इमीडिएट एडजेसेंट साइड पे कोई नहीं आना चाहिए, मतलब एफ के साथ में कोई नहीं आना चाहिए, राइट। तो इसमें बेटर स्टेटमेंट कौन सी है, सोचो। इसमें द बेस्ट स्टेटमेंट इज बिटवीन वाली, रीजन बीइंग मेरे को तीन इकट्ठी स्पेसेस चाहिए। क्या कहता है, एच जो है वो सी और ई के बीच में है, तो तीन इकट्ठी स्पेसेस एक ही जगह पे खाली है, कहां पे, 1, 2 and 3। तो 2 पे पक्का कौन आएगा, एच। अब अगर फर्स्ट पे ई है तो थर्ड पे सी होना चाहिए, नहीं तो उल्टा। अब ये भी कंडीशन एक ही वैलिड होएगी बिकॉज उसने बोला था सी ए एक्सट्रीम एंड पे नहीं आना, तो सी किधर आएगा, रूम नंबर 103 में। अब F का कोई नेबर नहीं है, F के कोई साथ नहीं बैठा, तो F 7 पे तो पक्का नहीं हो सकता, F 9 पे भी नहीं हो सकता, बिकॉज अगर F 9 पे है तो B उसके साथ आ जाएगा, तो F कहां पे आना चाहिए फिर, रूम नंबर 110 पे। एंड टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन रूम नंबर 109 क्या होना चाहिए, खाली, बिकॉज F के साथ में किसी ने नहीं आना। अब ए से लेके एच तक 8 फ्रेंड्स थे, एक फ्रेंड बच गया, वो कहां पे आ जाएगा, रूम नंबर 107। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डायरेक्शन का कंसेप्ट आता है तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना इज वेरी इजी, बस आपने डायरेक्शन का कंसेप्ट ध्यान से अप्लाई करना है उन केसेस में। ओके, श्योर। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक इज 10-13 वाला है, जिसमें पैरेलल्स की बात हो रही है। सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, एक बार ट्राई करके देखो, फिर आई विल गिव यू द कांसेप्ट द सॉल्यूशन। ओके, ट्राई करके देखो एक बार। हरिओम।
Okay guys, let's try this question. Question number 10 to 13. उसने बोला है that there are two parallel rows जिसमें 12 बंदे बैठे हैं, ठीक है? मतलब 6 in each. A, B, C, D, E, F जो हैं वो east facing row में बैठे हैं and P, Q, R, S, T and V जो हैं वो west facing row में बैठे हैं. With that उसने बोला है दोनों rows वाले persons जो हैं वो एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं. तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैं अरेंजमेंट बना लूंगा, एक डायरेक्शंस का क्राइटेरिया लिख लूंगा. अब उसने बोला है एक रो देख रही ईस्ट की तरफ, तो मेरे पास जो अरेंजमेंट होना चाहिए, नॉट टू बी यू कैन से इट इज नॉट अ कंपल्शन, बट अगर मैं अरेंजमेंट टॉप टू बॉटम बना लूं क्वेश्चन थोड़ा इजी नहीं हो जाएगा. 1 2 3 छह बंदे, राइट? इधर देख रहे हैं ईस्ट की तरफ. अब ईस्ट की तरफ देख कौन रहा है? ए से लेके एफ तक. अब ऑब्वियस है मैं ए टू एफ सीधा ऐसे लिख दूंगा. अब जो ईस्ट में देखता है उसका राइट किधर होता है? साउथ की तरफ. एंड लेफ्ट किधर होता है? नॉर्थ की तरफ. अब दूसरी रो में इसकी तरफ देखना है तो दूसरी भी किधर होगी? इधर भी होगी ना. अब इस केस में वेस्ट की तरफ देख रहे हैं तो वेस्ट का राइट कहां पे होगा? ऊपर अभी किया था हमने, नॉर्थ की तरफ. एंड लेफ्ट किधर होएगा? साउथ की तरफ. अब इस रो में कौन आएगा? पी से लेके बी तक. यू नहीं है इसमें, वो ध्यान रखो, ठीक है? तो मैंने सारी चीजें मेंशन कर ली. अभी भी अगर किसी ने ये क्वेश्चन ट्राई नहीं किया, मेक श्योर पहले एक बार ट्राई करके देखो. एक चीज मेंशन कर दी रहेगी, दैट इज साउथ एंड नॉर्थ. दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर, क्योंकि कई बार वो बोल देते हैं पी इज सेकेंड फ्रॉम द नॉर्थ एंड या पी इज सेकेंड फ्रॉम द साउथ एंड, तो उस केस में गलती कर सकते हैं. ओके, नाउ इन दिस क्वेश्चन सबसे पहले एक बार क्वेश्चन को पढ़ो, ठीक है? ध्यान से देखो, मेरे पास एक फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें एक्सट्रीम एंड की बात हुई है, तो मैं इस क्वेश्चन को उससे स्टार्ट कर सकता हूं. एक आई थिंक सेकेंड लास्ट है, थर्ड लास्ट स्टेटमेंट है जिसमें वो कह रहा है कि बी जो है वो सी के साथ बैठा है, बी सेटिंग जस्ट इन सी साइड एंड सेट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स. अब एक्सट्रीम एंड पे बी ने बैठना है. अब पॉइंट ये है बी इस रो में है. अब टॉप वाले एक्सट्रीम एंड पे आएगा कि बॉटम वाले एक्सट्रीम एंड पे आएगा ये मेरे को नहीं पता, तो मैं लास्ट जो मैं दूसरी स्टेटमेंट बोली उससे मैं स्टार्ट नहीं कर सकता. तो बेटर स्टेटमेंट इज फर्स्ट वाली, क्योंकि उसमें वो क्या कह रहा है कि पी ने एंड पे बैठना है बट उसने टी के राइट पे बैठना है. अब देखो इधर रो है, इनका राइट कहां पे? ऊपर वाली साइड. तो टी के राइट पे पी कहां पे आ सकता है? ऊपर. पी नीचे तो आएगा ही, तो पी कौन से वाले एंड पे बैठेगा? ऊपर वाले एंड पे. एंड वो किसके बिल्कुल राइट पे है? टी के बिल्कुल राइट पे. ओके, नेक्स्ट में उसने बोला है, आगे मेरे पास क्या क्या स्टेटमेंट है. सबसे पहले ये देखो, उसने बोला है ए जो है वो ना ही पी को देख रहे ना ही टी को देख रहे. With that, C and D जो हैं, वो P को नहीं देख रहे. तो मेरे पास कुछ ऐसा अरेंजमेंट बनेगा. एक केस में वो कहता है Q और V के बीच में दो बंदे हैं, तो इसमें मैं ये चीज देख सकता हूँ, ये चार बंदे हैं. तो इसका मतलब क्या है? अगर Q इधर है तो B एक्सट्रीम एंड पे होएगा, या अगर V इधर है तो Q एक्सट्रीम एंड पे होएगा. अभी इस केस के लिए मेरे पास क्लैरिटी नहीं है, ठीक है? एक वो कहता है C और D के बीच में एक पर्सन है. पॉइंट ये है मेरे को अभी तक सी और डी का पता ही नहीं है. मेरे को ये पता है सी और डी ने इधर नहीं आना, बट मेरे को कुछ और नहीं पता, राइट? सी के बारे में एक और बात बोली थी कि बी के साथ में सी ने आना है, राइट? एक उसे बोला है एस जो है वो डी को फेस नहीं कर रहा एंड एस जो है वो क्यू के साथ में नहीं बैठा हुआ. पॉइंट ये है एस यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, जब तक डी नहीं आएगा मैं तब तक पता ही नहीं सकता, राइट? अब इसमें मैंने एक स्टेटमेंट मिस की. उसने बोला था कि ए पी टी को फेस नहीं कर रहा एंड वो एफ के थर्ड टू द लेफ्ट है. अब इनका लेफ्ट कहां पे? ऊपर वाली साइड. तो कहीं पे एफ होएगा, एक
तो थर्ड प्लेस पे किसने आना है? ए ने. अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये स्टेटमेंट मिस कर जाते हैं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ऑफ दिस क्वेश्चन. मेरे को पता है ए ने इन दोनों प्लेसेस पे नहीं आना, तो अगर ए इधर आएगा डैश डैश एफ आ जाएगा, अदरवाइज मेरे पास कोई और केस पॉसिबल है ही नहीं इस क्वेश्चन में. ओके क्लियर. अब उसने बोला था बी ने एक स्टेटमेंट पे आना है, नीचे तो पाएगा नहीं, कहां पे आएगा फिर? ऊपर वाले एक्सट्रीम एंड पे. बी के साथ में किसने आना है? सी ने. सी और डी के बीच में कितना बंदे हैं? एक. बच गया कौन? एक रो सॉल्व हो गई. अब लास्ट स्टेटमेंट में उसने क्या बोला है? एस ने डी के सामने नहीं आना. अगर एस ने इधर नहीं आना तो एस किसके सामने होएगा? होएगा या होएगी? ई के सामने. एंड उसने बोला था एस इज नॉट सिटिंग इन क्यूज साइड, तो ये क्यू नहीं है. बच गया आर एंड आई गॉट दी अरेंजमेंट. मेक श्योर अगर किसी को कोई भी डाउट है दे कैन आस्क मी. ओके क्लियर. ट्राई द नेक्स्ट वन. रुक जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ा कंसेप्ट का चेंज है. ठीक है, पहले इसको नोट कर लो, हम नेक्स्ट क्वेश्चन का कंसेप्ट करके उसको ट्राई करके देखते हैं. ओके ओके गाइस, सो इन द नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिकली उसने बात की एक टेबल की, एंड हमारा जो लास्ट कंसेप्ट बचता है वो बचता है ऑफ टेबल्स. अ पॉइंट ये है, टेबल की शेप तो कोई भी हो सकती है, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, हेक्सागन, कोई भी शेप हो सकती है. अब टेबल्स में दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, या तो टेबल की तरफ देख रहे हैं पर्सन, या टेबल से अवे देख रहे हैं, या मिक्सचर ऑफ बोथ. ओके, अभी हम सिर्फ और सिर्फ इनसाइड की बात करेंगे, टेबल की तरफ की बात करेंगे, बाकी विल डिस्कस इन द हायर लेवल रीजनिंग. ओके, तो मैं स्टार्ट कर रहा हूं विद अ सर्कुलर टेबल. रीजन बीइंग, अगर सर्कुलर टेबल समझ आ गया तो बाकी टेबल्स भी आप सॉल्व कर लोगे आराम से. ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूं सर्कुलर टेबल है एंड उस पर चार बंदे बैठे हैं, तो चार बंदे कैसे बैठेंगे? कुछ ऐसे दो दो के पेयर बना के ऑपोजिट ऑपोजिट. तो आप एक सिंपल सा पॉइंट याद रख सकते हो, किसी भी टेबल में अगर इवन नंबर ऑफ पीपल आते हैं ना, उस केस में क्या होता है? टू पर्संस फेस ईच अदर. ठीक है, या कह सकते हो टू पर्संस आर ऑपोजिट. ठीक है, फेस ईच अदर मैं ले रहा हूं इनसाइड केस, बेसिकली वर्ड यूज करना चाहिए ऑपोजिट. ओके, जब ऑड नंबर ऑफ पीपल आते हैं ना, अनलेस स्पेसिफाइड, आपने ध्यान रखना है, नो टू पर्संस आर ऑपोजिट. कोई किसी के ऑपोजिट नहीं बैठेगा. ओके, ये हो गया पहला पॉइंट. सर्कुलर टेबल में इवन नंबर ऑफ पीपल भी आ सकते हैं, ऑड भी आ सकते हैं. स्क्वायर में मोस्टली या रेक्टेंगुलर में मोस्टली इवन नंबर ऑफ पीपल ही आते हैं, ध्यान रखना. अब मैं कहता हूं अगर सारे टेबल की तरफ देख रहे हैं, अब ध्यान से देखो, ये जो पर्सन है अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शंस, जो पर्सन साउथ में बैठा है वो देख रहा है नॉर्थ की तरफ. अब अगर कोई पर्सन नॉर्थ की तरफ देखता है तो उसका राइट किधर होता है? ईस्ट की तरफ. अब ये पर्सन जो है ये ऊपर की तरफ देख रहा है, मतलब इसका राइट किधर है? ईस्ट की तरफ. अब जो बंदा ईस्ट में बैठा है वो देख रहा है वेस्ट की तरफ. अब अगर कोई बंदा वेस्ट में देखता है तो उसका राइट कहां पे होता है? नॉर्थ में. मतलब इस बंदे का राइट कहां पे होएगा? ऊपर. जो नॉर्थ में बैठा है वो देख रहा है साउथ में. जब कोई साउथ में देखता है तो उसका राइट किधर होता है? वेस्ट की तरफ. तो इसका राइट इधर होएगा एंड इसका राइट इधर होएगा. तो व्हाट आई कैन लर्न, या इसको रट्टा भी मार सकते हो, क्रैम भी कर सकते हो, पॉइंट ये है कि किसी भी टेबल की बात कर लो, टेबल की शेप कोई भी हो सकती है, अगर हम बात कर रहे हैं फेसिंग इनसाइड या फेसिंग दी टेबल, तो उस केस में हमारा राइट कैसे मूव करता है? एंटी क्लॉकवाइज. राइट इज एंटी क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा इस केस में? क्लॉकवाइज.
क्लॉकवाइज। सबसे पहले तो ये पॉइंट्स को नोट कर लो। ओके, एक बेसिक एग्जांपल से ट्राई करके देखते हैं कि इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमने सॉल्व कैसे करना है ऐसे क्वेश्चंस को। देखो एक एग्जांपल लेते हैं। अगर वो कहता है देयर आर सिक्स फ्रेंड्स, ए से लेके एफ तक, तो वो कैसे बैठेंगे? टेबल 1, 2, 3, 4, 5 and 6। दैट इज नॉट अ कंपल्शन कि ऐसे बिठाना है, चॉइस आपकी है, जैसे मर्जी बिठा सकते हो, बट इट इज अ बेटर वे। अगर 8 होते तो 2 यहां पे ऐड कर देता। अब लेट सपोज मैं कहता हूं सारे इनसाइड देख रहे हैं, टेबल की तरफ देख रहे हैं, तो मैं आराम से राइट मेंशन कर सकता हूं। मेक श्योर अगर आप राइट मेंशन कर दोगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। ओके, क्लियर? अब अगर इस केस में ऐसी कोई स्टेटमेंट दी हुई है, ए हु इज ऑपोजिट टू एफ इज इमीडिएट राइट ऑफ सी। पॉइंट ये है सर्कुलर टेबल में मैं स्टार्ट कहां से करूं? बेसिकली कोई रो तो है नहीं कि लेफ्ट हैंड दिया हो या राइट हैंड दिया हो, तो इस केस में आप क्वेश्चन को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इन केस ऑफ एनी टेबल, अगर आप क्वेश्चन को कहीं से भी स्टार्ट करते हो ना, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, खास करके सर्कुलर टेबल में। बाकी टेबल्स में किसी केस में फर्क पड़ सकता है, ठीक है? ओके, कह रहा है ए जो है वो किसके सामने है? एफ के सामने। तो लेट सपोज मैं ए को यहां पे लेता हूं, तो एफ कहां पे आ जाएगा? ऊपर। उल्टा भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है? अब उसने क्या बोला है? A who is immediate right of C। A किसका राइट है? C का। तो C कहां पे आएगा? यहां पे। तभी C के इमीडिएट राइट पे A आएगा। ओके, अब इसमें एक ट्विस्ट लेके आता हूं, अब मैं यहां से इमीडिएट वर्ड उड़ा देता हूं। तो आप बताओ C 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा कि 4 पे आएगा? अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कहीं पे भी आ सकते हैं, कुछ कहेंगे 1 या 2 पे, कुछ कहेंगे सिर्फ 1 पे, ठीक है? द करेक्ट आंसर इज ओनली 1। अब इसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। रीजन क्या है? कोई जिस केस में मेरे पास एक रेपिटेशन होती है ना, पॉइंट इज अगर मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, मैं राइट से आऊं तभी मैं ए पे वापस आ जाऊंगा, लेफ्ट से आऊं तभी मैं ए पे वापस आ जाऊंगा, बेसिकली एक सर्कल मूव कर रहा है, राइट? तो ऐसे केसेस में इमीडिएट वर्ड दिया हो चाहे ना दिया हो उससे फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली रो में क्या होता है, एक पॉइंट से स्टार्ट हुई दूसरे पे एंड कर गई, रिपीटेशन तो नहीं ना होती, तो उस केस में इमीडिएटली वर्ड से फर्क पड़ता है। ऐसे केसेस में इमीडिएटली वर्ड से फर्क नहीं पड़ता, रिमेंबर दिस पॉइंट। ओके, अब अगर मेरे पास एक और स्टेटमेंट दी होती, ई इज टू प्लेसेस राइट ऑफ डी, तो क्या होना चाहिए? डी डैश ई, तो ये कहां पे आएंगे? डी अगर यहां पे है, डैश ई तो पॉसिबल नहीं है, तो डी डैश ई। बच गया बी, आई गॉट द अरेंजमेंट, ठीक है? तो सर्कुलर टेबल क्वेश्चंस इजी होते हैं, बट आपने ध्यान से सॉल्व करने हैं बस। ओके, नाउ ट्राई क्वेश्चन नंबर 14-15 फ्रॉम द वर्कशीट, ट्राई करके देखो। हरी अब इस वीडियो को यहां पे पॉज करो, मेक श्योर ट्राई करे बिना सॉल्यूशन नहीं देखना। ओके, क्वेश्चन नंबर 14-15 देखो, सॉल्यूशन बता रहा हूं। इस क्वेश्चन में उसने बोला है 8 फ्रेंड्स हैं, तो अभी मैंने बताया था सर्कुलर टेबल को कैसे ड्रॉ करूंगा, सॉरी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 कुछ ऐसा, ऑल आर फेसिंग इनसाइड, रिमेंबर टू मेंशन द राइट, राइट मेंशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस केस में। ओके, अब इस क्वेश्चन में जैसे मैंने बोला बेस्ट स्टेटमेंट,
अगर आपने यूज करनी है, वैसे तो आप सेकंड से भी स्टार्ट कर सकते हो, थर्ड से भी कर सकते हो। बेटर स्टेटमेंट कौन सी जिसमें कुछ ऑपोजिट की बात हुई हो। अब उसने क्या बोला है, एच वॉज इमीडिएट राइट ऑफ बी, बी का इमीडिएट राइट कौन है, एच वॉज ऑपोजिट टू जी, एंड एच किसके सामने है, जी के सामने। उसने क्या बोला है, एच हु वॉज इमीडिएट राइट ऑफ बी वॉज ऑपोजिट टू जी। तो सेकेंड स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रही है, एच के बारे में। ओके, अब पॉइंट समझो, मैंने बी को यहां पे रखा, एच को यहां पे रखा, जी को यहां पे रखा, इसको चेंज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहां पे बी रख लो, यहां पे एच, उसके सामने जी, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। ओके, अब सेकंड स्टेटमेंट में उसने बोला है डी वॉज बिटवीन ई एंड एफ, तीन प्लेसेस इकट्ठी खाली चाहिए, कहां पे है, एच के राइट पे, तो ये तो पक्का डी हो जाएगा। अब पॉइंट इज, अगर ये ई है तो ये एफ होना चाहिए, नहीं तो वैसा वैसा, राइट। एंड लास्ट में उसने बोला है सी इज टू प्लेसेस टू द राइट ऑफ एफ। पॉइंट समझो, अगर ये एफ होता तो वन टू यहां पे कौन होना चाहिए था, सी, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये एफ पॉसिबल नहीं है। अब मैं चेक करूंगा, अगर ये एफ है वन टू, क्या यहां पे सी आ सकता है ई के सामने, यस। एंड जो पर्सन बच गया वो कौन है, ए। अब वेरी इजी क्वेश्चन टू सॉल्व, बस आपने क्या करना है, आपने देखना है क्वेश्चन को हैंडल कैसे करना है, स्टार्ट कहां से करना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 16 टू 17, इसमें उसने सिर्फ और सिर्फ एक चीज को चेंज किया है, क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ टेबल की शेप का फर्क है। इस वीडियो को यहां पर पॉज करो एंड इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो एक बार। हरि ओम, मेक श्योर सॉल्व करे बिना सॉल्यूशन नहीं देखना, एक बार खुद ट्राई करके देखो, एक या दो बारी, ठीक होएगा सॉल्व। अब स्टूडेंट्स स्टेटमेंट को ध्यान से नहीं पढ़ते, वो क्या करते हैं, स्क्वायर टेबल बनाया, पर्सन को ऐसे बिठा दिया लाइक दिस। अब बेसिकली इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये भी सर्कल ही है हिसाब का, राइट। अगर मैं इसको सर्कल फॉर्म में बना दूं क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी। अब बेसिकली उसने इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं बोला, वो उसने क्या बोला है, उसने बोला है दैट देयर इज अ स्क्वायर टेबल, एट फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन इट विद टू फ्रेंड्स ऑन ईच साइड, हर साइड पे कितने फ्रेंड्स हैं, दो। तो कुछ ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए मेरे पास, ओके, ऑल आर फेसिंग इन साइड, राइट कहां पे होगा, एंटी क्लॉकवाइज, मेंशन दैट अगेन द फर्स्ट पॉइंट। अब सिमिलरली इसमें स्टेटमेंट कौन सी से स्टार्ट करोगे, बी के इमीडिएट राइट पे एच, एच के सामने जी, राइट, ट्राई करके देखो अगेन। अब स्टूडेंट्स यहां पे पता है गलती करते हैं, स्टूडेंट्स एक केस लेके चले जाते हैं कि बी के इमीडिएट राइट पे एच, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या उसने ये बोला है कि बी और एच इकट्ठे बैठने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं बोला होगा उसने। तो मेरे को दो केसेस बनाने पड़ेंगे इसमें, दूसरे केस में क्या आएगा, बी के इमीडिएट राइट पे एच ही है, एच के सामने जी भी है, बट इस केस में मैंने किया बी और एच को डिफरेंट साइड्स पे बिठा दिया। पॉइंट ये है, जरूरी नहीं यही देना है, बी को यहां पे रख के एच को यहां पे रख दे तो सेम चीज थी। पॉइंट समझो, एक केस में क्या है, बी और एच सेम साइड पे बैठे हैं, एच के सामने कौन है, जी, बी और एच इमीडिएट, बी और एच अलग अलग साइड पे बैठे हैं, एच बी का इमीडिएट राइट है एंड एच के सामने कौन है, जी। अब ध्यान से समझो, इस केस में B और G के बीच में कितने पर्सन है, वन, यहां पे कितने हैं, थ्री। अब फर्क क्यों पड़ता है इस चीज से, बिकॉज इस केस में H और G आमने सामने दिए हैं, एंड ये क्यों बनाना पड़ता है, क्योंकि उसने मेंशन तो किया नहीं कि B और H इकट्ठे बैठे हैं, अगर उसने बोला था B एंड H पर ऑन द डिफरेंट साइड ऑफ द रेलवे तो ये वाला केस वैलिड होता, ये बनाना ही था, राइट। तो आपने एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, आपने दो केसेस बनाने हैं इस क्वेश्चन में, किसी में तीन की भी जरूरत पड़ सकती है,
आप थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको पॉइंट समझ आने शुरू हो जाएंगे। अब दो केसेस बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज एच के सामने जी दिया हुआ है। अगर कोई पर्सन किसी के सामने नहीं दिया हुआ तो दोनों में से कोई भी केस बना लो, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ऐसा हमें क्वेश्चन जिसमें ऑपोजिट नहीं दिया हुआ हम हाई लेवल रीजनिंग 2 या 3 में ट्राई करेंगे। ओके श्योर, हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वो कहता है डी जो है वो ई और एफ के बीच में बैठे हैं, तो इस केस में तो ये हो जाएगा डी ई एफ। मैंने यहां से देख लिया कि एफ के दो प्लेसेस राइट पे किसने आना था, सी ने। 1 2 यहां पे सी पॉसिबल नहीं है। अब स्टूडेंट्स यहां पता क्या करते हैं, वो एफ को यहां पे रख के 1 2 ये सी कर देते हैं। ध्यान से समझो, एफ का राइट इधर है, इधर नहीं है, तो ये वाला बेसिकली केस क्या है, इनवैलिड। ओके अब इसमें देखो 4 प्लेसेस हैं, अगर मैं डी को यहां पे रखूंगा तो एफ यहां पे आएगा और ई यहां पे आएगा। बिकॉज मेरे को एक चीज पता है कि डी ने ई और एफ के बीच में आना है, एंड एफ के दो प्लेसेस राइट पे कौन होना चाहिए, सी। तो अगर मैं एफ डी ई लूंगा तब एफ के राइट पे डी और डी के राइट पे ई, वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि एफ के दो प्लेसेस राइट पे ई नहीं आना चाहिए, कौन होना चाहिए, सी। तो ई के राइट पे डी, डी के राइट पे एफ, एक स्पेस छोड़ के सी पॉसिबल नहीं है। ई उसके राइट पे डी, उसके राइट पे एफ, एफ की एक प्लेस छोड़ के दूसरी प्लेस पे कौन होना चाहिए, सी। अब इस केस में जो बच गया है दैट इज ए, एंड आई कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। डिफरेंस देखो, बेसिकली दोनों क्वेश्चंस में जो स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल सेम थी। डिफरेंस कहां पे आ रहा है, ए के सामने कौन है, एफ। इसमें ए के सामने कौन है, डी। ऑपोजिट का डिफरेंस आ रहा है। स्टेटमेंट बिल्कुल सेम थी, फर्क कहां पर पड़ा, टेबल की शेप के ऊपर, राइट। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। अब मेक श्योर टू सॉल्व योर वर्कशीट, टेक योर डाउट्स। विल मीट टुमारो अगेन फॉर डेटा अरेंजमेंट। ओके दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच।